Hey guys, what's up? I hope आप सभी लोग ठीक होंगे. मेरा नाम है किरण. तो आई गेस आप में से काफी सारे लोगों को वैसे तो पता होगा ही कि कुछ टाइम पहले ओप्पो ने एक इवेंट रखा था जहां पर कलर OS 7 को अनवील किया था. एंड इस चीज से आप ये आइडिया लगा लो कि कितने सारे लोग हैं इंडिया में जो कि कलर OS पर बेस्ड डिवाइस यूज करते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की पर्टिकुलर में बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से किसी भी स्मार्टफोन में ये एक ऐसी चीज होती है जिस पर यूजर का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा डिपेंड करता है. अगर आपको किसी भी UI के बारे में पूरे फीचर्स सारी फंक्शनैलिटी अच्छे से नहीं पता है तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस में फर्क तो पड़ेगा. एंड ऊपर से फिर इस कलर OS 7 के बारे में बात करूं तो यार ये तो काफी सारी नए इंप्रूवमेंट के साथ काफी ज्यादा इसको इंप्रूव किया गया है पुराना जो कलर OS था उसके कंपैरिजन में. एंड हाँ, फॉर श्योर काफी सारे नए नए फीचर्स आपको इस बार इस कलर OS 7 में देखने को मिलेंगे जो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रेस करने वाले हैं. तो इन शॉर्ट आज के इस वीडियो में हम कुछ इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली में ये कलर OS 7 किस तरीके का है. तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. तो सबसे पहली चीज जो मैंने इस कलर OS 7 को यूज करते वक्त फर्स्ट टाइम मैं नोटिस करी वो ये कि यार पहली बात तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट बनाने की कोशिश की गई है, काफी ज्यादा फास्ट भी है. बोल सकते हो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है. एंड हाँ, आपने अगर पहले वाला कलर OS अगर आपने यूज किया है तो आपको डिफरेंस ना साफ यहाँ पर पता लगने वाला है पहले के कंपैरिजन में. और कहीं ना कहीं रीजन है इसका डिजाइन, इसके फीचर्स. तो डिजाइन में तो मैं बोलूंगी कि पहले जो आइकन्स हमें मिलते थे ना वो ही मुझे लगता था कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइब्स खराब कर देते थे UI की. इसके अंदर क्या चीज है ना कि यहाँ पर जो आइकन्स है आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो. काफी सारे तरीके के आपको रेक्टेंगल शेप के, पेबल शेप के यहाँ पर आइकन्स मिल जाएंगे. उनका साइज आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाओगे. तो ये मुझे एक चीज है जो इसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी है. दूसरी यार मैं बोल सकती हूँ कि जो वॉलपेपर्स है जो लॉक स्क्रीन पर आता है वो भी काफी ज्यादा क्रिएटिव है, काफी अच्छे है. इनफैक्ट आपको फोन के अंदर जो लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे ना वो भी काफी अच्छे है. तो हाँ, ये छोटी छोटी चीज है पर मेरे हिसाब से ये ऐसी चीज है जो UI को अच्छा बनाने में, अच्छा फील करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है. इनफैक्ट अगर एनिमेशंस के बारे में भी बात की जाए ना यार, तो मैं बोल सकती हूँ वहां पर भी काफी अच्छा काम किया गया, वहां पर भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली है. जैसे कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो या फिर ऐसे भी स्क्रॉल करते हो तो बहुत ही क्विक तरीके से रिस्पॉन्स करता है इसका UI. एंड एक चीज मैं आपको बताऊंगी जो मैंने पर्सनली अभी नोटिस करी कि वेदर एप्लीकेशन जब आप खोलोगे ना तो वहां पर जिस तरह का अभी मौसम हो रहा होगा बाहर, जिस तरह का वेदर अभी चल रहा होगा, उस तरीके का आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा. सनलाइट हो रही है तो सन देखने को मिलेगा. सपोज करो अगर बाहर फॉगी वेदर है, स्मोगी है, तो वो आपको दिख जाएगा. तो कह सकते हो ये भी एक अच्छी चीज है. बाकी हाँ, जैसे आप एप्लीकेशन वगैरह अनइंस्टॉल करते हो तो वहां पर एक धुआं सा बन के आता है. तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज है बट हाँ, ये यार कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती है जो सबकॉन्शियसली हिट करती है और इनकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे तो फर्क पड़ता है एटलीस्ट UI में. ये सारी चीजें होनी चाहिए अच्छी. एंड यहाँ पर ना अब सभी लोगों को बता देती हूँ कि ये जो कलर OS 7 है ना ये एक्चुअली में एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है. तो इसके अंदर हमें डार्क मोड का फीचर भी देखने को मिलता है. अभी होता क्या ना, कई सारे ऐसे UI होते हैं जो डार्क मोड को सपोर्ट तो करते हैं बट डार्क मोड का जो फीचर है वो कई सेटिंग्स में जाके छुपा पड़ा हुआ होता है. इसके अंदर आपको सिंपली नेविगेशन बार के अंदर डार्क मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा जो काफी ईजी है मेरे हिसाब से. दूसरी एक चीज है कि यार काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करती है बट अभी तक मैंने जितने इस UI के अंदर एप्लीकेशन यूज करे, इंक्लूडिंग आप मैसेजिंग देख लो, नंबर पैड देख लो, हर एक चीज में डार्क मोड का सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है. तो वो भी मेरे हिसाब से अच्छी चीज है. बाकी डार्क मोड के बारे में यार यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि कई सारे स्मार्टफोन्स होते हैं जहां पर डार्क मोड होता तो है बट वो जो ब्लैक कलर होता है ना वो
कई जगह ग्रेइश होता है या फिर इतना ज्यादा डीप ब्लैक नहीं होता है। इसके अंदर मैं बोल सकती हूँ एक कंसिस्टेंट जो अच्छा ब्लैक हमें देखने को मिलता है डार्क मोड के अंदर, उस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है जो ध्यान में रखी जा सकती है। बाकी हाँ, डार्क मोड यूज करोगे तो वो मेरे हिसाब से सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटरी कम खर्च होती है डार्क मोड को यूज करने से। आप में से कितने लोग डार्क मोड का फीचर पसंद करते हो या फिर यूज करते हो अपने स्मार्टफोन्स में, मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। बाकी इसके अलावा ना, एक्चुअली मैं फोन के जो साउंड्स होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, उनके अंदर भी आपको छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है, जब आप कीबोर्ड वगैरह यूज कर रहे हो, मैसेज टाइप कर रहे हो, या फिर अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो जो टचेस का एक्सपीरियंस होता है ना, वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक आपको फील होगा यहाँ पर। जो एक्चुअली में जब आप नए कलर OS 7 को यूज करोगे तो आपको डिफरेंस यहाँ पर पता लगेगा। बट एक चीज बता देती हूँ, जो नोटिफिकेशन साउंड होती है ना, मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करी है, थोड़ा सा लेंथ वगैरह कम कर दिया है। इसकी वजह से थोड़ी सी साउंड भी थोड़ी स्मूदिंग है और थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी करवा दिया ऑनेस्टली। बाकी एक अच्छी चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये कि अलार्म में ना, जब आप जाओगे तो वहां पे वेदर एडेप्टिव करके आपको फीचर देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से अगर आप उसको ऑन करते हो तो एक्चुअली में अभी जिस तरह का बाहर वेदर हो रहा होगा, उस तरीके से आपकी अलार्म टोन यहाँ पर रिंग करेगी। तो मुझे ये चीज पर्सनली काफी अच्छी लगी। अगर बारिश का मौसम हो रहा है तो बर्ड्स की आवाज आ रही है, तो ये काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर ऑनेस्टली। एंड यहाँ पर ना एक और चीज जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा नोटिस आप करोगे अगर आप कलर OS 7 पर आते हो, तो वो ये कि यहाँ पर जो स्मार्ट साइड बार है ना, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले और अच्छे चेंजेस है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक रेक्टेंगुलर कॉलम बन के आता है साइड बार पर, और वो मेरे हिसाब से एक्सीडेंटल टचेस वगैरह को काफी ज्यादा प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा फॉर श्योर। बट इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी है साइड बार की, वो ये कि यार अभी ना आप भले कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, और अगर इन केस आपको बीच में ही कोई कैलकुलेटर यूज करना पड़ गया, साइड बार को ओपन करके जब आप कैलकुलेटर खोलोगे तो फ्लोटिंग विंडो में बन के आएगा, जिसकी वजह से आपका पुराना विंडो भी रह जाएगा, यानी कि एट अ टाइम आप दो विंडोज यूज कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा अच्छा बना देगा और आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पर फील हुआ है। और यार वैसे तो आप सभी को पता होगा कि 3 फिंगर से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो मेरे हिसाब से एक पुरानी चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया है इसके अंदर, जो यहाँ पर अपग्रेडेशन हुई है, वो मेरे ख्याल से आपको इम्प्रेस कर सकता है, क्योंकि इन 3 फिंगर्स को स्क्रॉल करके आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट थोड़ी ही डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे तो आप छोटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसको थोड़ा सा लंबा खींचोगे और तो आपको स्वाइप अप करके आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये, नॉर्मल डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना हो, आप 3 फिंगर्स को स्वाइप करके इससे ले सकते हो सारे, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी चीज है, काफी यूजफुल चीज है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ओप्पो ने इस कलर OS 7 के अंदर इंटीग्रेट करी है इस बार, वो मेरे हिसाब से इसका डॉक वॉल्ट। ये एक सबसे खास फीचर है जिसके अंदर आप जितने भी अपने डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे आप इसके अंदर इजीली और सेफली रख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कभी बाहर जाते हो तो आपको हार्ड कॉपीज लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने फोन से शो कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से यार ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि आज के टाइम पर तो एटलीस्ट हमें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहां पर एक फीचर के बारे में ना मैं स्पेशली बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो पहले वाला जो कलर OS 6 है या फिर बाकी के वर्जन से उनमें भी देखने को मिलता था, उसका नाम था ओप्पो शेयर। लेकिन अभी इसमें इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और अच्छे इंप्रूवमेंट्स है। पहले क्या देखने को मिलता था, थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूं। पहले क्या होता था कि आप ओप्पो के स्मार्टफोन से सिर्फ ओप्पो के स्मार्टफोन में ही अपना फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हो। अभी इंप्रूवमेंट्स के बाद क्या हुआ है ना, कि आप इस ओप्पो शेयर की हेल्प से आपके पास अगर
अगर Xiaomi का डिवाइस है, Realme का डिवाइस है या फिर Vivo का डिवाइस है, आप इन सब में भी अपनी फाइल्स इजीली और सेफली ट्रांसफर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस ColorOS 7 को बाकी जो UI है अदर ब्रांड के स्मार्टफोन कंपनीज के साथ भी इसको कंपैटिबल करने की कोशिश की गई है, जो कि मेरे हिसाब से अगेन एक अच्छी चीज है। बाकी इन एनी केस अभी अगर आप ColorOS पर बेस्ड कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और इन एनी केस अगर आप नया फोन परचेस करते हो, तो यार आप अपना जो पुराने फोन का डाटा है वो इजीली माइग्रेट कर पाओगे नए फोन के अंदर बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन क्लोन फोन। ये काफी अच्छी एप्लीकेशन मुझे लगी है, क्योंकि यहाँ पर आप बिना इंटरनेट, बिना डाटा केबल, सिर्फ QR कोड स्कैन करके सारा डाटा पुराने फोन से नए फोन में माइग्रेट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा फास्ट भी बना देता है और मेरे हिसाब से काफी कन्वीनियंट प्रोसेस भी है। तो हाँ, ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो इस नए UI के अंदर ऐड की गई है। बाकी इन सब के अलावा ना, इस UI के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप दो एप्लीकेशन एट ए टाइम यूज कर सकते हो। एंड इसी के साथ आपको गेमिंग असिस्टेंट भी देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से गेमिंग करते वक्त ऑब्वियसली आपका अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि कॉल्स वगैरह रिजेक्ट कर सकते हो, नोटिफिकेशन अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, एंड गेमिंग असिस्टेंट भी स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करता है। ये एक अच्छी चीज है। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, वो होता है यूजुअली भी, बट अच्छी बात ये है कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस वीडियो को आप बीच में ही पॉज कर सकते हो, बीच से ही रिज्यूम कर सकते हो। बाकी वैसे अगर आपको फोन के डिस्प्ले को इस UI के अंदर एज टू एज यूज करना है, तो नेविगेशन कीज आप हटा सकते हो, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, लेकिन सेटिंग में जाके आप उनको भी रिमूव कर पाओगे। और यहां पर ना एक और चीज बताना चाहूंगी कि ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फीचर इस ColorOS 7 में ऐड किया गया है, जिसका नाम है सोल लूप। अभी क्या है ना कि इस फीचर के अंदर आप बेसिकली आपकी वीडियोस एडिट कर सकते हो एक्चुअली में, जहां पर आप वीडियोस के अंदर म्यूजिक डालना है, अलग फिल्टर्स लगाना है, कोई चीजें एडिशनली ऐड करनी है आपको, वो सब कर पाओगे डायरेक्टली इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हो सोशल मीडिया पर, वहां पर शेयर भी कर सकते हो। एंड यार ये काफी क्रिएटिव चीज है जो इस UI के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यार ये जो ColorOS 7 है ना, अभी ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है, इसमें कुछ बग्स अभी हो सकते हैं, ये बेसिकली एक ट्रायल वर्जन है। जब ये प्रॉपर तरीके से अपडेट होके आएगा तो ये और भी ज्यादा अच्छा होगा। एंड बिलीव मी, मुझे ये अभी अगर पसंद आ रहा है तो बाद में तो इसमें और भी, जब चीजें फिक्स हो जाएंगी तो ये और भी स्मूथ एक्सपीरियंस डेफिनेटली करवाने वाला है। एंड फॉर श्योर आप लोगों को जो पहले का ColorOS था और ये जो अभी का ColorOS 7 है, इसमें आपको एक्चुअली में डिफरेंस देखने को मिलेगा और ये आपको वाकई में पसंद आने वाला है। मेरी तरफ से तो ओप्पो को एक बिग थम्स अप है ColorOS 7 के लिए, क्योंकि ऑनेस्टली काफी अच्छा यहाँ पर काम किया गया है। बाकी आप लोगों में से कितने लोगों को ColorOS 7 का अपडेट अभी तक देखने को मिल गया, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, आपको ColorOS 7 कैसा लगा वो भी। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा है, किसी भी वे में अगर यूजफुल लगा है, तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।